शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार दोस्तों, IIFL सिक्योरिटीज़ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वीकली इक्विटी कमोडिटी करेंसी के वीकली आउटलुक पर। इस आउटलुक में हमें जानने की कोशिश करेंगे कि पिछला हफ्ता कैसा रहा और आने वाले हफ्ते में मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, मार्केट का ट्रेंड कैसा रह सकता है। अगर हम सबसे पहले इक्विटी मार्केट की बात करें तो हमने देखा इक्विटी मार्केट में गिरावट के साथ ट्रेंड देखने को मिला। डाउ जोन्स में हमने करीबन 0.94% की गिरावट देखी और डाउ जोन्स करीबन 32,899 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। वहीं हमने देखा सेंसेक्स और निफ्टी में एक पॉजिटिव ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स और निफ्टी करीबन 1% से ज़्यादा की बढ़त के साथ ट्रेड होते हुए देखे गए। सेंसेक्स हमने देखा करीबन 55,789 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया, वहीं निफ्टी करीबन 16,584 के स्तर पर बंद होती हुई देखी गई। ओवरऑल हमने देखा कि भारतीय बाजारों में एक तेजी के साथ पॉजिटिव ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया। लोअर लेवल से हमने मार्केट में रिकवरी आती हुई देखी। अगले हफ्ते के लिए निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट करीबन 16,200 और नीचे में 15,800 का रहेगा। रेजिस्टेंस करीबन 16,800 से लेकर 17,200 के बीच रह सकता है। हमारा मानना है जिस तरीके से मार्केट में रिकवरी देखने को मिली है, इक्विटी मार्केट में अगले हफ्ते भी एक बाउंस बैक आ सकता है और ऊपर सेंसेक्स निफ्टी करीबन 16,800 से लेकर 17,000 तक के लेवल को छू सकती है। और अगर सेंसेक्स की बात करें तो वहाँ पर हम करीबन 56,500 तक के लेवल देख सकते हैं। तो यहाँ पर बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। अब हम बात करें कमोडिटी मार्केट की तो यहाँ पर भी हमने एक मिलना जरूर आते हुए देखा। हमने देखा गोल्ड के भाव फ्लैट नोट पर क्लोज होते हुए देखे गए। गोल्ड के भाव करीबन 50,970 के स्तर पर MCX में बंद हुए। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ पर $1,851 पर आउंस के स्तर देखने को मिले। हमने देखा लोअर लेवल से गोल्ड सिल्वर के अंदर रिकवरी देखने को मिली। अगले हफ्ते के लिए गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 50,500 और रेजिस्टेंस करीबन 51,900 का रहेगा। हमारा मानना है गोल्ड सिल्वर में गोल्ड के अंदर अगले हफ्ते बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और ऊपर करीबन लेवल 51,450 से लेकर 51,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $1,870 से लेकर $1,875 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें सिल्वर की तो सिल्वर के अंदर हमने एक डाउन ट्रेंड आते हुए देखा। सिल्वर के भावों में एक मिला जो रुक रहा, हालांकि हायर लेवल्स पर लास्ट ट्रेडिंग डे में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सिल्वर के भाव M6 में करीबन 61,689 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं हमने इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $21.91 पर आउंस के स्तर देखने को मिले। एक्सपेक्टेड है सिल्वर के अंदर एक इंडस्ट्रियल डिमांड देखने को मिल सकती है और अगले हफ्ते सिल्वर के भावों में हम तेजी का रुख देख सकते हैं। सिल्वर के में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 60,500 और रेजिस्टेंस करीबन 63,000 का रहेगा। हमारा मानना है सिल्वर में अगले हफ्ते बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और सिल्वर के भाव 63,000 से लेकर 64,000 तक के लेवल को M6 में छू सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 22.50 स्तर के लेवल को देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें बेस मेटल की तो बेस मेटल में पिछला हफ्ता काफ़ी शानदार रहा। कंटिन्यूस 2 हफ्तों की गिरावट के बाद हमने कॉपर में एक रिकवरी आते हुए देखी। कॉपर और जिंक दोनों ही पॉजिटिव ट्रेंड के साथ क्लोज होते हुए देखे गए। कॉपर के भाव ऑलमोस्ट 3% की तेजी के साथ 800 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। कॉपर में इंडस्ट्रियल डिमांड आने की वजह से और हमने देखा चाइना के लॉकडाउन से ओपन होने की वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड देखने को मिली। हमारा मानना है आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्ते में बेस मेटल की डिमांड देखने को मिल सकती है और यहाँ पर तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है। कॉपर में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 785 और रेजिस्टेंस 815 का रहेगा। हमारा मानना है अगले हफ्ते कॉपर के भाव 810 से लेकर 815 के स्तर को छू सकते हैं। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक में भी करीबन 1.5% की तेजी के साथ 335 के स्तर पर भाव बंद होते हुए देखे गए। जिंक में भी हमने लोअर लेवल पर रिकवरी आते हुए देखी। हमारा मानना है जिंक के अंदर भी इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की वजह से, इन्वेंट्री कम होने की वजह से भावों में तेजी देखी जा सकती है और जिंक में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 325 का, रेजिस्टेंस 350 का रहेगा। हमारा मानना है अगले हफ्ते जिंक के भाव 345 से लेकर 350 के स्तर को छू सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी सेगमेंट की, जहां हमने काफ़ी अच्छी तेजी बनते हुए देखी। क्रूड के भाव अगेन $120 पर बैरल के स्तर पर आते हुए देखे गए। हालांकि हमने यहां पर यह भी देखा पिछले हफ्ते ओपेक मेंबर्स ने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करी, उसके बावजूद भी हम देखें तो US की इन्वेंट्री लोअर लेवल पर ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हमने क्रूड के भावों में तेजी आते हुए देखी। डिमांड बढ़ने की वजह से और इन्वेंट्री कम होने की वजह से क्रूड के भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया और क्रूड के भाव पिछले हफ्ते करीबन ऑलमोस्ट 4% की तेजी के साथ 9,235 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। क्रूड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 8,900 का, रेजिस्टेंस करीबन 9,450 का रहेगा।
अगले हफ्ते हमें लगता है क्रूड के अंदर खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेंड पॉजिटिव है और ऊपर में भाव 9400 से लेकर 9600 तक के लेवल दिखा सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। वहीं अगर हम दूसरी तरफ नेचुरल गैस की बात करें तो वहाँ पर गिरावट के साथ ट्रेंड देखने को मिला और 0.5% की गिरावट के साथ नेचुरल गैस के भाव 667 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। हालांकि यहाँ पर हायर लेवल पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। हमने देखा नेचुरल गैस के भाव ओवरबॉट जोन में जाते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर हमने एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी है। नेचुरल गैस में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 640 और रेजिस्टेंस 695 का रहेगा। हमें लगता है मार्केट इसी रेंज में ट्रेड हो सकता है और हो सकता है कि हायर लेवल पर हम नेचुरल गैस में कुछ बिकवाली आते हुए देखें। और अगले हफ्ते हमें लगता है 640 से लेकर 650 तक के लेवल दोबारा से नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं करेंसी सेगमेंट की। करेंसी के अंदर हमने एक फ्लैट नोट में कारोबार होते हुए देखा और USD INR करीबन 77.58 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। अगले हफ्ते के लिए जो रेंज है करीबन नीचे में 76.90 और ऊपर में करीबन 77.90 की रहेगी। हमारा मानना है जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है, रुपी भी यहाँ पर स्ट्रेंथ ले सकता है और USD INR में हम एक बिकवाली के साथ ट्रेड देख सकते हैं। डॉलर में कुछ गिरावट और गहरा सकती है। नीचे डॉलर का लेवल करीबन 77.30 से लेकर 77.20 तक के लेवल को दिखा सकता है, तो हमें लगता है यहाँ पर USD INR में बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। इसके विपरीत अगर हम यूरो INR की बात करें तो वहाँ पर हमने एक अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी और यूरो INR के भाव करीबन 0.29% की तेजी के साथ 83.68 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यूरो INR में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 82.80 का रहेगा, रेजिस्टेंस 84.20 का रहेगा। हमारा मानना है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है और ऊपर में भाव करीबन 83 तक के लेवल को छू सकते हैं, तो डॉलर में जो गिरावट है उसका डायरेक्ट असर यूरो INR पर रहेगा और यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की। हमने देखा मॉनसून केरल में समय से हिट होता हुआ दिखाई दिया और आने वाले दिनों में भारत के कुछ और राज्यों में मॉनसून हिट कर सकता है, उसकी वजह से हमने एग्रीकल्चर कमोडिटी में कुछ गिरावट पड़ते हुए देखी। हमने देखा ग्वार सीड के भाव ऑलमोस्ट 5% की गिरावट के साथ 5740 के स्तर पर आते हुए दिखाई दिए। हमने देखा कि मॉनसून के आने की वजह से सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में कुछ नरमी के साथ ट्रेड होता हुआ देखा गया। यहाँ पर अगर ग्वार की बात करें तो ग्वार में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 5600 का रहेगा और रेजिस्टेंस करीबन 6100 का रहेगा। ग्वार के भाव हमने कॉन्ट्रैक्ट लो पर ट्रेड होते हुए देखे हैं। मॉनसून के आने की वजह से यहाँ पर हमने गिरावट आते हुए देखी। हमें लगता है ग्वार गम के भावों में, ग्वार सीड के भावों में अगेन एक गिरावट के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है और ग्वार के भाव अगले हफ्ते 5600 के स्तर को छू सकते हैं, तो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कॉटन की। कॉटन के भाव भी हमने करीबन नेगेटिव ट्रेंड में ऑलमोस्ट फ्लैट लूजिंग के साथ ट्रेड होते हुए देखे और करीबन 40,220 के स्तर पर कॉटन के भाव आते हुए दिखाई दिए। हमने देखा कॉटन के भाव 50,000 के स्तर से गिरावट के साथ ट्रेड होते हुए देखे गए। जिस तरीके से मॉनसून आता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, माना जा रहा है कि कॉटन की एकरेज इस बार 9 से करीबन 14% तक बढ़ सकती है। तो अगर एकरेज बढ़ती है तो प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है और अगर अच्छा मानसून आता है तो जो स्विंग एक्टिविटी है कॉटन में वो भी देखने को मिल सकती है। हमारा मानना है कि यहाँ पर भी हायर लेवल पर कुछ बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। कॉटन में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 44,500 और रेजिस्टेंस करीबन 47,500 का रहेगा। हमें लगता है कि यहाँ पर भी हायर लेवल पर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं और नीचे भाव करीबन 44,500 तक के लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर हम मसालों की बात करें तो वहाँ पर भी हमने नेगेटिव ट्रेंड आते हुए देखा। जीरा के भाव ऑलमोस्ट 1% की गिरावट के साथ 21,275 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। कहीं ना कहीं डिमांड कम होने की वजह से और बारिश अच्छी आने की वजह से, सोइंग एक्टिविटी बढ़ने की वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में जीरे की क्रॉप एक अच्छी क्रॉप देखने को मिले, उसकी वजह से हमने जीरे के भावों में और सभी मसालों में कुछ गिरावट के साथ ट्रेड होते हुए देखा। इस बारिश का असर सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में लॉन्ग टर्म पर रह सकता है। हमने देखा मसालों के अंदर गिरावट रही और जीरा के भाव 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ ट्रेड होते हुए देखे गए। यहाँ पर जीरे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 20,500 का रहेगा, रेजिस्टेंस करीबन 21,800 का हो सकता है। हमारा मानना है जीरा के अंदर आने वाले दिनों में भाव गिरावट के साथ ट्रेड हो सकते हैं और नीचे करीबन 20,500 तक के लेवल जीरा में देखने को मिल सकते हैं। एग्रीकल्चर कमोडिटी में हमारा मानना है कि भावों में कुछ नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मॉनसून की एक्टिविटी दिखाई दी है भावों में आने वाले दिनों में कुछ और नरमी देखने को मिल सकती है। तो ये था हमारा वीकली आउटलुक। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा और आपको अपने पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग में करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आज ही आप हमारा IFL कमोडिटी करेंसी का टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, आज ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर अकाउंट को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इंपॉर्टेंट जो खबरें हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंपॉर्टेंट मार्केट की रिपोर्ट्स आपको समय पर मिल सकें, जो कि आपको पोर्टफोलियो बनाने में हेल्पफुल करें। इसी के साथ IFL के साथ बने रहिए। धन्यवाद। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें
और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।